अम्बाला लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सांसद वरुण मुलाना ने जनता का धन्यवाद करने के लिए अम्बाला कैंट में धन्यवाद कार्यक्रम रखा। इस दौरान जनता ने वरुण चौधरी का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान वरुण मुलाना ने हरियाणा सरकार पर जुबानी प्रहार करते हुए हैप्पी कार्ड योजना के बारे में बोलते हुए कहा कि हरियाणा में जितनी बसों के सेक्शन है उतनी बसें भी सड़कों पर नहीं है। 2014 में कांग्रेस सरकार के समय में जितनी बसें सड़कों पर थी आज भी उतनी ही है, तो जनता बैठेगी कहां और कैसे इसका फायदा होगा। वहीं उन्होंने पिंक बसों को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटियों के लिए बस शुरू की गई थी लेकिन आज इन बसों में बेटियां दिखाई नहीं देती, बाकी लोग ही बैठे होते हैं और फिर बेटियों को बस स्टैंड पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और नतीजों के बाद दोनों ही पार्टियों के बीच में नोकझोंक देखने को मिल रही है, जिसे लेकर वरुण चौधरी ने कहा कि इंडिया अलायंस ने मिलकर चुनाव लड़ा है और जीता भी है। हरियाणा में नगर निगम चुनाव को लेकर सुबुगाहट शुरू हो गई है। राज्य चुनाव आयोग ने इसे लेकर हरियाणा सरकार को लेटर लिखा है और इस लेटर में नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड वाइज वोटर लिस्ट देने के लिए कहा है, जिसे लेकर वरुण चौधरी ने कहा कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है। घोषणा है तो देखो जुमलेबाजी के तो ये माहिर है, वो तो सालों साल से करवा रहे, अभी भी ये जुमलेबाजी जारी है। थैंक यू। देखिए मैं अभी बताया कि हटा हूँ अभी कि जितनी हमारे यहाँ बसों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे कहीं कम बसें चलती, और जितनी 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी जितनी बसें तब हरियाणा की सड़कों में दौड़ती थी, दुख की बात है कि आज भी उतनी बसें नहीं। तो कैसे बैठेगा गरीब आदमी उन बसों में जब बसें चलेंगी ही नहीं, कितने रूटों पे बसें बंद कर दी, कितनी जगह स्टॉपेज बंद हो गए। हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए जो बसें चलती थी, कोई स्कूल में जाने के लिए, कोई कॉलेज में जाने के लिए, कोई यूनिवर्सिटी में जाने के लिए पिंक बसें खरीदी थी, उनमें भी आप देखेंगे कि आदमी बैठे होते हैं। वो बेटियां हमारी परेशान बस स्टॉप पे खड़ी रहती कि कैसे जाएं, लेट होती हैं, घर से भी जो है डांट पड़ती है और जहां जाते हैं कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, वहां भी डांट पड़ती है। जब बसें खरीदी ही हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए की थी, तो उनको क्यों नहीं बैठने दिया जाता उनके अंदर? और ये कहते हैं जी हमने तो ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई, भी पहले बसों की संख्या तो पूरी करें, वो जरूरी है। भी गरीब के साथ तो खिलवाड़ हो रहा, चाहे वो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है। मैंने कहा था कि आप जानकारी तो दे दें कि जो इनका कहना था कि 1 लाख आय से जिनकी कम आय है, 1 लाख से कम सालाना, उनकी आय दुगनी कर दी जाएगी लोन के माध्यम से, उनको ऋण दिया जाएगा। जब मैंने विधानसभा में बार बार पूछा कि बता दो दीजिए कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी आय दुगनी हो गई, उसका कोई जानकारी आज तक नहीं दी गई, आज तक नहीं दी गई। क्योंकि वो जानते हैं और हम सब भी जानते हैं कि किसी परिवार की आय दुगनी नहीं हुई। जब मैंने ये भी पूछा कि यही बता दो कि कितने वो परिवार हैं जिनको ऋण तो दे दिया गया लेकिन वो मासिक किस्त भी दे नहीं पाए, उसी की जानकारी दे दो, वो जानकारी भी नहीं दी। क्योंकि ये सच्चाई है कि कर्जा लेकर किसकी आय दुगनी होती है, बड़े बड़े धनाढ्य देश छोड़ के चले गए, अरबों खरबों रुपए का उनके ऊपर कर्जा है, वो देश छोड़ के चले गए, और गरीब आदमी जो गरीब था इस भाजपा की सरकार में वो कर्जदार भी बन गया। नहीं देखिए, मैं तो ये मानता हूँ इंडिया अलायंस ने ये चुनाव लड़ा, जितने भी हमारे घटक दल थे सबने बहुत मेहनत करी है, चाहे उसमें अंदर आम आदमी पार्टी थी, चाहे उसके अंदर सीपीआई सीपीआईएम थी, और भी जितने भी घटक दल हैं सबने बहुत मेहनत करी है और तभी हम ये चुनाव जीते हैं। और इससे निराश ना होते हुए भी आपने बहुत बड़ी जंग जीती है और उसे बैठने का समय नहीं है। मैं तो भाइयों आपसे कहूंगा अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए जुट जाए और हर बूथ पे अपनी कमियों को देखें, कहां क्या कमी है, अपनी उम्मीदवारी अपनी दिखाई है। वैसे ही आप अगर लगातार करते हैं बेटी की तरह को यहां से नरेंद्र कुमार जी भेजेंगे। हम जरूर हाथ बनाएंगे और इसको यहाँ से बनाएंगे। ये शेर